गाइस आज के टाइम पे आप कैसे ये चीज डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा ईयरबड परचेस करना है। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है ईशान एंड वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ ईयरबड्स को लेके कि आप किस तरीके से ये डिसाइड करोगे कि कौन से ईयरबड्स आपके लिए बेटर है और आपको कौन से ईयरबड्स परचेस करने हैं। ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे जब आप ईयरबड्स की मार्केट में जाके देखेंगे तो 5000 से अंदर की रेंज के ईयरबड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, भले आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओ या आप अमेजोन पे चले जाओ या अगर आप रिटेल मार्केट में भी चले जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इंसान कन्फ्यूज हो जाता है कि यार एक्चुअली में मैं कौन सी ईयरबड परचेज करूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको आप कंसिडर कर सकते हो और उसके बाद में आप कंपेयर कर सकते हो जो भी ईयरबड आप परचेस कर रहे हो। तो गाइस कोई भी ईयरबड को परचेस करने से पहले आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि उसका साइज क्या है और शेप क्या है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईयरबड देखिए, आप ऑब्वियसली उसको कान में लगाएंगे तो उसका शेप ऐसा होना चाहिए कि आपके कान से वो गिरे ही नहीं आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जो आप ईयरबड परचेस कर रहे हो वो किस शेप में है, किस साइज में है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप ये चीज देखोगे कि ईयरबड का डिजाइन क्या है। अब ईयरबड्स देखिए वो जनरली तीन डिजाइन में आता है, एक तो ईयर हुक डिजाइन होता है, दूसरा ईयरबड्स फिन्स होता है और तीसरा जो एयरपॉड लुक अलाइक होता है। तो ईयर हुक क्या होता है गाइस कि वो एकदम एक्टिव स्टाइल के लिए, मतलब जैसे कि अगर आप ईयरबड परचेस कर रहे हो जहां पर आप ज्यादातर वर्कआउट में जो है ना यूज करने वाले हो, तो उसके लिए जो ईयर हुक रहता है ना वो बहुत जबरदस्त रहता है क्योंकि वो क्या होता है उसमें एक हुक रहता है जो आपके ईयर को बैक साइड से होल्ड कर लेता है। तो वहां पर अगर आप एक इंटेंस वर्कआउट भी कर रहे हो तो उसमें दोस्तों वहां पर ईयरबड के हिलने का या गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करूंगा ईयरबड फिन्स के बारे में। तो ईयरबड फिन्स क्या होता है दोस्तों, वो अंदर से कुछ एरिया आपके ईयर का होल्ड कर लेता है। तो ये जनरली आपकी जो नॉर्मल लिसनिंग होती है लाइक म्यूजिक लिसनिंग टाइप, इसमें सही रहता है और साथ में जो आपका लाइट वर्कआउट रहता है उसमें भी सही रहता है। और जो तीसरा टाइप आता है ईयरबड का, जो तीसरा डिजाइन होता है वो है एयरपॉड्स लुक अलाइक। तो स्टार्टिंग में एयरपॉड लॉन्च हुए थे, उसके बाद में काफी कंपनीज ने उसके लुक अलाइक ईयरबड्स निकाले हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप जनरली जो म्यूजिक सुनते हो आप वो कर सकते हो, ये ज्यादातर जो है ना वो एक्सरसाइज करने में या वर्कआउट करने में इतना काम नहीं आता है क्योंकि अगर आप इसको वर्कआउट करते टाइम यूज करते हो, ऑब्वियसली यूज तो कर सकते हैं लेकिन वहां पर जो है ना आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इन शॉर्ट गाइस आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आप ईयरबड्स जो है वो किस लिए लेना चाहते हो, मतलब नॉर्मल लिसनिंग के लिए लेना चाहते हो या खासतौर से आपके वर्कआउट सेशंस के लिए, और उसके बेसिस के ऊपर आपको डिजाइन सेलेक्ट करना है। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो भी ईयरबड आप परचेस कर रहे हो उसमें आप मेक श्योर कीजिए कि वो लाइट वेट हो, मतलब एकदम हैवी वेट ना हो। वो इसलिए क्योंकि जब लॉन्ग लिसनिंग आप करोगे तो उसमें बहुत काम आता है और जो हैवी वेट ईयरबड रहते हैं वो आपके कान को जो है ना अपने ईयर को अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद में आपको बाकी तक फील होने लगता है कि यार मतलब आपने ईयर जो है ना ईयरबड्स डाल के रखे हैं और उसके बाद में जो ईयर में आपके फिर पेन भी स्टार्ट हो जाता है और पेन फिर यहाँ तक जाता है, वो बात की कहानी हो जाती है। तो इन शॉर्ट आपको दोस्तों इस चीज़ पे ध्यान रखना है, जब आप ईयरबड परचेस करोगे तो आप उसका वेट जरूर मेजर कर लो। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी ऑप्शन। तो ऑब्वियसली ईयरबड्स है तो कनेक्टिविटी तो होना बहुत जरूरी है ही। तो गाइज मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा कि ब्लूटूथ की 4.2 की कनेक्टिविटी तो ईयरबड्स में चाहिए ही ताकि कुछ इंटरप्शन नहीं हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ईयरबड मिल रहा है जिसमें 5.0 की कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ की, दैट इज बेस्ट फॉर यू। तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ब्लूटूथ 4.2 इज लीस्ट एंड ब्लूटूथ 5.0 इज बेस्ट। गाइस पांचवे पॉइंट में मैं आपसे बात करूंगा लिसनिंग टाइम के ऊपर। तो ऑब्वियसली दोस्तों हम ईयरबड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो लिसनिंग टाइम इंक्लूड्स होना तो बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे ईयरबड्स सिलेक्ट कीजिए जहां पर आपको मिनिमम 3 आवर्स का लिसनिंग टाइम मिलना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली एटलीस्ट अगर आपको 3 आवर्स का टाइम लिसनिंग टाइम मिलेगा तो ही आप उसको जो ना प्रॉपरली इंजॉय कर पाओगे। गाइस जो दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है वो ये है कि आपका जो केस है वो चार्जिंग के साथ में आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर ईयरबड्स को केस में डाल देते हो तो केस ऑलरेडी आपके ईयरबड्स को चार्ज कर देता है, लेकिन आपका जो केस है वो केस भी दोस्तों चार्ज होना चाहिए क्योंकि अगर आपका केस चार्ज रहेगा, और मिनिमम 12 आवर्स की चार्जिंग तो होनी चाहिए क्योंकि अगर वो चार्ज रहेगा तो आप अपने ईयरबड्स को ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। तो गाइस जनरली ऐसा हो ही रहा है क्योंकि आज के टाइम पे जो भी लो बजट ईयरबड्स भी है उसमें भी दोस्तों अक्सर ऐसे है कि आपको चार्जिंग केस के साथ में ईयरबड्स मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी है जहां पर आपको सिर्फ केस मिलता है, आपको चार्जिंग के साथ में नहीं मिलता, आपको उसको बाकायदा प्लग करना पड़ेगा तब जाके आपके ईयरबड्स को चार्ज करेगा। तो यहां पर दोस्तों मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप जो ईयरबड्स ले रहे हो उसका जो केस है उसमें भी चार्जिंग होनी चाहिए ताकि ऑन द गो आप अपने ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हो। गाइस जो सेवेंथ पॉइंट है वो दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका ईयरबड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करना चाहिए और वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी आपको मालूम है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो उसमें वायरलेस चार्जिंग तो ऑब्वियसली इंक्लूड होना ही चाहिए,
लेकिन फिर भी दोस्तों 1% अगर मैं आपको बताऊं कि वायरलेस चार्जिंग इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे पास में एडेप्टर्स वायर्स रहते हैं तो हम अपने ईयरबड्स को जो ना उसकी केस को चार्ज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फास्ट चार्जिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईयरबड्स कैसा रहता है कि हम लोग को एकदम से चाहिए होता है, हम उसको वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कैसा होता है दोस्तों कि आपकी ईयरबड्स जो है ना उसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना ही चाहिए, भले ही अगर 1% के लिए वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों आठवीं चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो ईयरबड है वो सारे ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे ईयरबड्स अवेलेबल हैं जो कुछ ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऑडियो कोडेक को सपोर्ट नहीं करते। और कुछ ऐसे भी ईयरबड्स हैं जो ऑल इन वन है, मतलब वो सारे कोडेक को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि जो भी ईयरबड आप परचेस कर रहे हो वो सारे ही ऑडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करें, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई ऑडियो प्ले नहीं हो, आपको एरर मैसेज आता रहे कि यार दिस इज़ नॉट सपोर्टेड, और उसके बाद में फिर आपको फाइल को कन्वर्ट करना लगे, मतलब इतनी सारी जो है ना आपको मगजमारी करनी पड़े। गाइज, जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है मेरे पास में, 9th ऑप्शन, वो है कंट्रोल्स। मतलब आपका जो ईयरबड है वो आपको कंट्रोल देना चाहिए। आज के टाइम पे ऐसे ईयरबड्स मौजूद हैं, मतलब अंडर 5000 के, जिसमें कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है। आपको खाली बस एक बार कनेक्ट कर देना, उसके बाद में आप म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप परचेस करने से पहले ये चीज़ देखिए कि वहाँ पर गेस्चर कंट्रोल, टैपिंग कंट्रोल ये सब है कि नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आपके ईयरबड्स में रहेगी तो आप उसको बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। मतलब फ़ोन रिसीव करना, म्यूज़िक प्ले पॉज करना, फॉरवर्ड रिवाइंड करना, तो ये सब चीज़ें दोनों आप आसानी से कर सकते हो। और फाइनली जो 10वां पॉइंट हमारे पास में है वो है लो लेटेंसी। मतलब आप कोई भी ईयरबड जब परचेस करते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो कि इसकी लेटेंसी कितनी है। अगर वहाँ पर मैंशन है कि लो लेटेंसी है, दैट मीन्स ये सही है। और गाइस, मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 5.0 ब्लूटूथ का ले रहे हो, कनेक्टिविटी का अगर आप ईयरबड ले रहे हो, तो मतलब वहाँ पर लेटेंसी लो ही रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए लेटेंसी हाई हो जाती है तो आपका जो ऑडियो है ना उसमें लैग होने लगता है। जो ऑडियो आप सुन रहे हो, भले कोई भी हो, म्यूज़िक है, कुछ भी हो, उसमें लैग होने लगता है। इसमें जो है ना दोस्तों ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर चेक करना है कि जो भी आप ईयरबड ले रहे हो उसमें लो लेटेंसी हो, लो ऑडियो लेटेंसी हो। तो गाइस, ये जो भी 10 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो जब भी आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो। और वहाँ पर आप जब भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करोगे तो 1x1 आपको सारे ऑप्शंस वहाँ पर मेंशन दिखेंगे। तो वहाँ पर से आप कंपेयर कर सकते हो। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको वीडियो में बोला है आप उसका एक नोट बना के रख सकते हो, और जब भी आपको परचेस करना है तो वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो कि भाई ये मैच करता है या नहीं करता है, या कोई ऐसी चीज़ है अगर मैच नहीं भी करेगी तो भी हम ले लेंगे तो चलेगा। जैसे मैंने एक ईयरबड का रिव्यू भी दिया था, मुजिली का ईयरबड था, पुराना वीडियो हो गया काफ़ी, तो यहाँ पर देखिए आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देख लेना। उसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें मेंशन है जो मैंने आपको इस वीडियो में, इस टॉपिक में डिस्कस की है, तो आप ज़रूर से वो वीडियो देख लेना। और अगर आपको वो ईयरबड पसंद आता है तो उसका मैं बाइंग लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको परचेस कर लेना। और अगर आप उस लिंक से परचेस करोगे तो हमें भी जो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ तक थी मेरी वीडियो, आपको कैसा लगा मेरा जो ये गाइड था पूरा ईयरबड परचेस करने का, ज़रूर से मुझे बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अभी जो है ना वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब जगह पर दोस्तों से शेयर कर दीजिए वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कीजिए रेड बटन को, और साथ ही में नोटिफिकेशंस को ऑल पर रखिए, जिस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। और अगर आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो और आपने नोटिफिकेशंस ऑल पर नहीं रखा है तो प्लीज़ गाइस अभी नोटिफिकेशंस ऑल पर रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो हमारे चैनल के अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।